परमात्मा की महिमा और काल के जाल को गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में समझा रहे हैं। माया आज निरंजन भाई अपने जाए अप खाई। ब्रह्मा दुर्गा और काल कहते हैं ये अप पैदा करे हैं और काल इन खावे है, अपने जाए अप खावे। अब देखो परमात्मा की वाणी कितनी निर्मल है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब काल तो ऊपर रहता है, दुर्गा को यहां कंट्रोलर बना दिया कि तू मेरे इस काल के जाल ने संभाल के रख और खबरदार दे किसी को कुछ बता दिया। अब ये अपने कर्मा था फंसगी, फिर काल के अंतर्गत होगी हैं, और फिर इससे हमारी उत्पत्ति होगी, इसकी मोह ममता हमारे में होगी और काल खावे है या खड़ी खड़ी देखती रह जाती है, रोती रहती है बाद में। लेकिन अब दोनों ही हमारी दुर्गति के ये कारण बताए जाते हैं। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, धर्म अन्यायी है, ये देख ले यो धर्म, धर्म का राज करनिया भी परमात्मा का यो अन्यायी है। नाम नाम धर्म राज है, नाम नाम न्यायाधीश है, लेकिन ये पूरा अन्यायी है। शिखर सुन में यानी आकाश की टॉप मोस्ट प्लेस पे शिखर सुन में यो धर्म अन्यायी, यो ज्योत निरंजन, यो धर्म दो धर्मराज कहलाता है अपने आप को। जैसे एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और राष्ट्रपति भी हमारा चीफ जस्टिसों का भी चीफ जस्टिस है, इनके ऊपर भी ओवरऑल कंट्रोलर है। ऐसे वो काल अलग से अपने आप को भी वो चीफ जस्टिस मानता है, धर्मराज कहता है, और एक अपना नौकर धर्मराज इसने अलग से छोड़ा हुआ है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायन मैल पठाई। लाख गिरा से नित उठ दूती ही माया आद तकत की कुती। सवा लाख घड़ी है नित भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। कहते हैं एक लाख तरोज यू खावा है और सवा लाख की उत्पत्ति करता है, यानी 25% एक्स्ट्रा जन्म देता है। लाख ग्रह से नित उठ दूती माया आज तकत की कुती। अब दुर्गा को भी साथ ही लपेट रहे परमात्मा, क्योंकि ये इसका सहयोग दे रही है। एक लाख ये खाता है काल, सहयोग दुर्गा का होने से इसको भी बीच में घसीटा है। लाख ग्रह से नित उठ दूती माया आज तकत की कुती। सवा लाख घड़ी है नित भांडे, इनको भांडा बर्तन चोला पेंड कहते हैं, सवा लाख रोज जन्म देता है, एक लाख को मार मार के खा रहा है, कसाई वाड़ा बना रखा है इसे। सवा लाख घड़िए नित भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। ये जीवात्मा बोली आत्मा जन्म और मृत्यु के दंड से पीड़ित कर रखी है। ये तीनों चेला बटपारी सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए स्वपन विष्ट बैकुंठ बनाए। इस खोखापुर, ये खोखापुर खाली खाली यानी बेकार लोक है और इसमें ये स्वपन सा बना रखा बैकुंठ, स्वपन की तरह वहां कुछ दिन वहां रहे फिर 84 लाख योनियों में, फिर पुनः हो गए तो गए ना तो ना भी जान पावे। ये है अरहट का कुआ लोई यागल बंजा है सब कोई। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु रहट का कुआ, नीचे से पानी उठाओ ऊपर बाल्टी खाली करकाओ फिर भर ले जाओ। ये देखिएगा अरहट का कुआ, ये अरहट का कुआ एक रहट का कुआ होता था, हमने देखे हैं, ये आपने तो नहीं देखे होंगे बच्चा ने। ये नीचे कुआ है, ये जल है नीचे और ये बाल्टियां हैं, ये चैन के ऊपर बाल्टी इसको जोड़ रखी है, इनको वेल्ड कर रखा है और ये एक चक्कर है, व्हील है, पुली है, इसको आगे से एक कोल्लू की तरह जैसे कोल्लू चलता है बैलों से चलाया जाता था, तो ये पुली घूमती नीचे साथ में इसके बाल्टियां नीचे से घूमती हैं। नीचे ये कुआ है, इसकी एलिवेशन दिखा रखी है साइड से काट कर समझो, ये जल भरा हुआ यहां तक, तो ये बाल्टी जब ये पुली घूमती है ये बाल्टियां नीचे आती है खाली, यहां से भरती है, यहाँ बर्फ के ऊपर चली जाती है, ये नीचे खाली होती है और फिर ये पानी यहाँ से खेतों में चला जाता है सिंचाई करते थे। तो कहते हैं जो पुण्य तुमने किए ये ऊपर खाली करे, फिर खाली बाल्टी नीचे आई, फिर कर्म किए फिर ऊपर गए, फिर मृत्यु होगी, फिर पुण्य पाप किए पुण्य
स्वर्ग में पाप नरक में खत खाली करे, फिर वापस आए, फिर गए, यानी जन्म मृत्यु का यू रेट कैसा कुआ तुम्हारे चल रहा है। ये अरहट का कुआ लोई यागड़ बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा है, ये चीटी कीड़ी और ये हाथी, हाथी और ये महेश विष्णु और ब्रह्मा रूपी अवतार ब्रह्मा विष्णु, कीड़ी कुंदर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा, इनकी भी कई बार जन्म मृत्यु हो लियो शंखवार, ये फिर ऊपर खाली हो कहा है नीचे भर के जहां, ये फिर दूसरे नए ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। ये अरहट का कुआ लोई यागल बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा, असंख्य बार जन्म और मृत्यु आप जी के हो लिए। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हरट डोर बंधे सब आई, शेष महेश गणेश सरताही, हरट डोर बंधे सब आई, शुक्राधिक ब्रह्मादिक देवा, हरट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, ये कोटिक करोड़ों करता बन रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने यहाँ 84 लाख योनियों में फिरते देखे। कोटिक करता फिरता देखा, हरट डोर कहूँ सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ, ये खोखापुर का कुआ है, ये काल के 21 ब्रह्मांड जो इनमें फंस गया उसकी जन्म मृत्यु अवश्य होगी। अपने आत्माओं यहां ये कड़वी दवाई प्याजी और इसकी थोड़ी सी एक लालटेन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जिस वाणी को दास बोलकर सुना रहा है ये आज तक किसी ने नहीं पढ़ी ना मानी, और जिन सदग्रंथों का हम सत मानते हैं यदि उनमें ये बात मिल जावे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर्ट डोर बंधे सब आवे, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो हमारा गला उतर जाएगी। नहीं तो इस वाणी को इस ज्ञान को, क्योंकि अब ये परमात्मा की दया हो रही है सीडियों के माध्यम से कैस्टों के माध्यम से, अब ये परमात्मा की कृपा से एक पवित्र चैनल भी हो रहा है, जी जागरण पर चल रही है, सौभाग्य है उन पुण्य पुण्य प्राणियों का जिसने ये चैनल लाया, और सौभाग्य उन प्राणियों का जिसके माध्यम से जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा, तो इसमें ये ज्ञान जा रहा है और श्रोता नए नए देख रहे हैं, उनको तुरंत अगर इसका प्रमाण नहीं मिला तो परमात्मा के बच्चे अपने भगवान से वंचित रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रकरण और दिखाऊंगा, देखिएगा, रह रह कर दिखाना पड़ेगा। ये श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित है, और इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, बार बार नहीं दिखाता, समय का अभाव है। ये तीसरा स्कंध है, 123 पृष्ठ है, इसमें विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से, अपनी माँ से, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, महिमा कार है उसकी, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्ही तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु होता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। भगवान शंकर बोले, ये देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तुमगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, उन तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, इस संसार की सृष्टि और स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी शंकर। धर्म दास ये जग बोराना, कोई न पावे पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कही ये वो राम नियारा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से
हम सभी को ये तत्व ज्ञान और ये सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। परमात्मा कबीर जी ये पूर्ण ब्रह्म है, अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर के यहाँ मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये संतान, ये संपत्ति, ये कार और कोठी ये आपकी नहीं है, यहाँ काल के लोक में जो व्यवस्था तुम बनाने में लगे हुए हो ये तुम्हारा मूल कार्य नहीं है। जैसे बच्चा जब युवा हो जाता है, बाल अवस्था से ही उसकी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे आजकल तो शिक्षा का दौर ज्यादा हो गया, पहले शिक्षा नहीं थी, बच्चों को खेतों में जैसे किसान होते थे तो अपनी खेती के कार्य में बचपन से ही लगा दिया करते थे किसान लोग। ऐसे ही कोई दूसरे व्यवसाय हैं जिसका जैसा भी व्यवसाय था अपने बच्चों को बचपन से ही उसी कार्य में जोड़ दिया करते थे, उसी की ट्रेनिंग दिया करते थे और यही सोच रखा था कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को यही करना होता है, संतान उत्पत्ति, उनकी परवरिश, फिर उनका विवाह, फिर उनका परमात्मा संतान दे, बस इतना ही काम हमारा मनुष्य जीवन का हमने मान रखा था। अब परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि ये तो कार्य जो तुम कर रहे हो, जो संतानों उत्पत्ति, फिर परवरिश, विवाह शादी, ये पूर्व निर्धारित है बच्चों की, और आप जी का जो कर्तव्य कर्म है वो अवश्य करना चाहिए, लेकिन एक मूल कार्य और है जिसको तुम भूल गए हो। वो मूल कार्य कौन सा है? परमात्मा की भक्ति, पूर्ण परमात्मा की सत साधना। उससे हमें लाभ क्या होगा? क्योंकि हम इतने लालची हैं, बगैर किसी लोभ या लालच के हम कोई कार्य नहीं करते, तो हमने ये लोभ लाभ पता चलेगा कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सत साधना करने से हमारे को सतलोक प्राप्त होगा। वो सतलोक कैसा है? उस सतलोक में हम करेंगे क्या जाके? क्योंकि आज तक हमें उस सतलोक की जानकारी किसी ने नहीं दी, कबीर परमेश्वर ने ही आकर के उस सतलोक सचखंड की जानकारी दी है। उसके बाद ये नकली पंथ बहुत से चल गए जिनको सतलोक के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़कर उसका उल्टा सुलटा ज्ञान लगाकर, उल्ट सुलट उसको बना करके अलग से पंथ बना बैठे, वो भी जनता को भ्रमित ही कर रहे हैं। तो उस परमेश्वर ने आकर बताया कि तुम सतलोक में रहा करते थे पहले, तो सतलोक में किस लिए चले? जैसे हम स्वर्ग में जाना चाहा करते थे। स्वर्ग में जाना क्यों चाहते थे? क्योंकि कहते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है और वहां बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा लोक है, वहां फलदार वृक्ष हैं, दूधों की नदी बहती हैं। लेकिन अब तत्व ज्ञान जो परमेश्वर कबीर जी ने आके हमें दिया है, उसके आधार से हमें पता चला है कि ये स्वर्ग तो एक ऐसी व्यवस्था है जैसे कोई धनी व्यक्ति, कोई रिच मैन जिसका अच्छा व्यवसाय चल रहा है, वो 20-30-50 हजार रुपये उसके लेकर के गर्मी के महीने में भारत, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश
आधी स्टेट्स में, राज्यों में,